कर रहे हैं, कंफर्टेबल है। अब आप लोग ट्यूब को ओपन करिए, ट्यूब को ओपन करिए, ओपन द ट्यूब। ट्यूब को मैंने बोला दो फिंगर से पकड़ना है, केवल दो फिंगर से, पूरी दिखनी चाहिए आर पार, ठीक है? कंप्लीट दिख रही है आपको? अब आपको क्या करना है, पाइपेट को प्रेस करिए, फुल प्रेस कर लीजिए, प्रेस करके दबा के रखिए, नोज की हाइट पे ट्यूब को उठाइए। लिक्विड में पाइपेट को डॉट पेन के इस पार्ट इतना इंटर करिए, टिप पॉइंट को डिप करिए लिक्विड के अंदर हल्का सा, धीरे धीरे प्रेशर को छोड़िए। जैसे जैसे लिक्विड नीचे जाएगी आपको भी नीचे टिप को ले जाना है, और धीरे धीरे पूरी लिक्विड सक कर लीजिए जितनी टिप में आनी चाहिए, पूरी की पूरी, ठीक है? पाइपेट को एक बार फ्री छोड़ दीजिए, बिल्कुल पूरा छोड़ दीजिए, जिससे कि वो सारा प्रेशर उसका निकल जाए। हो गया? अब बॉटम पे टिप को रखिए, बॉटम पे बिल्कुल पेंदी पे चिपका के रखेंगे, थोड़ा सा गैप रखेंगे जिससे लिक्विड निकले और अंदर आए बाहर आए। जो WBC है उसको थोड़ा सा यूं यूं करके ब्रेक कर दीजिए, हल्का सा उसको पिंचिंग कर दीजिए। बॉटम पे रखिए टिप को, टिप को बॉटम पे रखिए, और डॉट पेन पे जो प्रेस करते हैं ना जितना, उतना ही पाइपेट को धीरे से प्रेस करिए, छोड़िए, प्रेस करिए, छोड़िए। जो WBC है वो टिप के अंदर आनी चाहिए, बाहर जानी चाहिए, जिससे कि वो टूट जाए। इसको जितना रिपीट कर सकते हैं आप धीरे धीरे करिए, बट आपका लिक्विड बबल में नहीं कन्वर्ट होना चाहिए और वो ट्यूब के बाहर नहीं आना चाहिए। इसको जितनी देर तक रिपीट कर सकते हैं आप लोग करते रहिए। द पर्पज ऑफ दिस स्टेप इज टू ब्रेक द WBC, रिपीट करते रहिए, और अपनी आइज को टिप के पॉइंट पे फिक्स कर लीजिए। आपकी आइज वो जो यहाँ पे टिप का पॉइंट है, थोड़ा और नीचे रखो टिप को, बच्चे पाइपेट को पूरा लिक्विड निकाल दो पूरा, हाँ बॉटम पे जाओ टिप को लेके, बॉटम पे जहाँ पे WBC चिपकी थी वहीं पे रखो, वहीं पे थोड़ा थोड़ा इन एंड आउट करना आपको, ठीक है? उधर ही आपको थोड़ा थोड़ा इन एंड आउट करना, हाँ थोड़ा सा इन करो आउट करो, बॉटम पे रखो और हाँ वहीं पे रख के, वहीं पे रख के छोड़ो और निकालो, थोड़ा सा गैप रखो ना बॉटम पे, हाँ प्रेस करो छोड़ दो, हाँ ऐसे करते रहो, रिपीट करते रहो धीरे 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 धीरे, बिल्कुल पेशेंस के साथ, पेशेंस के साथ आप उसको करते रहिए। तब तक करना है आपको जब तक कि ऑलमोस्ट सेल टूट ना जाए। ओके, थोड़ा सा आप लोग पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए। ठीक, आप पाइपेट थोड़े बाद देर में चेंज कर लेना, ठीक है ना? ये बड़ी वाली ले लेना, तो इससे आपका आसान हो जाएगा। बार बार पिंचिंग नहीं करनी है, एक बार हो गया उसके बाद इन एंड आउट लिक्विड को करते रहिए, बस हल्का सा लिक्विड को प्रेस करिए छोड़िए, प्रेस करिए छोड़िए, प्रेस करिए छोड़िए, कर लोगे? करते रहो, बस यहीं पर रखो और प्रेस करो छोड़ो, प्रेस करो छोड़ो, प्रेस करो छोड़ो, क्लियर? इसे ऐसे ही करना, हाँ ठीक है बच्चे, बिल्कुल परफेक्ट। यहीं बॉटम पर रख के ऐसे ऐसे करते रहो, ठीक है? थोड़ी देर बाद स्पीड बढ़ेगी जब आपको थोड़ा नोज की हाइट पे और उठा के, ऑलराइट? थोड़ा सा गैप छोड़ो छोड़ो छोड़ो, यहाँ थोड़ा गैप, ठीक है ना? टिप बॉटम पे एकदम चिपका दोगे तो नहीं होगा, धीरे धीरे करते रहो, हाँ प्रेस करो छोड़ो, प्रेस करो छोड़ो, प्रेस करो छोड़ो, प्रेस करो छोड़ो, कर लीजिए आप, तेजी से करो, थोड़ा जल्दी जल्दी करो, थोड़ा जल्दी जल्दी करो, परफेक्ट। धीरे धीरे और थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा कम लिक्विड, थोड़ी सी कम लिक्विड को इन एंड आउट करो और तेजी से करो, थोड़ा फास्ट, थोड़ा सा और नीचे टिप को लाओ, यहाँ पर रखो, है ना? ओके, अगर आपका हो गया तो इनको दे दीजिए, ठीक है? ओके, थोड़ा सा गैप देना। ओके, नोज की हाइट पे, ठीक है? ठीक, देखा ना आपकी ट्यूब कैसी? हाँ परफेक्ट, प्रेस करो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, बस एकदम फिट है। नीचे रखो टिप को, हाँ वहीं पे, वहीं पे इन एंड आउट करो,
थोड़ा कम करना है ना, ज़्यादा प्रेस करोगे तो बबल बन के या झटके से बाहर लिक्विड आएगी। ओके, तो आप लोगों को फोकस करना है टिप के पॉइंट पे और उसको रखना है बॉटम पे। हो गया? बढ़िया बढ़िया हुआ। कहीं कोई प्रॉब्लम? नोज हाइट सर नहीं झुकाना है, नोज हाइट मेंटेन करने के। बहुत सारे बच्चे सर ही झुका लेते हैं, बोलते हैं नोज हाइट मेंटेन हो गई। तो आपको ध्यान रखना है आपकी नोज हाइट नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशंस में होनी चाहिए।